ये क्या है? आलू की सब्जी रोज रोज खाऊं मैं? ऐसे लग रहा है पानी में उबाल के रख दिया हो। साली ये जानवर भी नहीं खाएगा। किराने वाले के पास जाके आई हूँ मैं, साफ मना कर दिया है उसने। बोल रहा है पहले का पैसा दो, बाद में सामान लेके जाओ। हाँ, 6 महीने से उधारी बाकी है उसकी। अरे क्यों नहीं देते उसका पैसा? क्यों देगा उधारी हमें? हाँ, अरे कहाँ से पैसे लाऊं मैं? रोज जाता हूँ काम ढूंढने पर, अब काम नहीं मिलता तो मैं क्या करूँ? अब क्या झाड़ तोड़ के पैसे लाऊं? ये लाने के लिए पैसे है तुम्हारे पास? बच्चे को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए पैसे नहीं तुम्हारे पास? ए, 1000 बार मना किया तेरे को मैंने, हाँ? मेरे और दारू के बीच में नहीं आने का, और तेरे बाप की कमाई से नहीं पीता हूँ, समझी? रंड तेरी तो। ए रांड, साली रोड पे घूम रही थी तू, घर में लाके बिठाया तो मुझ पे दाव करती है। रुक, दिखाता हूँ तुझे। ए रुक, जाती किधर है? रुक, रांड ये ले। क्या हुआ आसिफ, अकेले क्यों बैठा है इधर? क्या हुआ, क्यों रो रहा है तू? वो मेरी अम्मी को बहुत मारता है, मैं क्या करूं? वो तेरे से बहुत बड़ा है रे, तू क्या कर सकता है, बोलना। मैं मेरी अम्मी को पिटा हुआ नहीं देख सकता हूँ, मुझे कुछ करना है। आसिफ, तेरे को अगर कुछ करना है ना, हाँ। तो एक काम कर, हाँ। उसके दारू में चूहे मारने वाली दवाई डाल दे। ये ले 5 रुपए, वो सामने के किराना दुकान पे मिलेगा तेरे को, नहीं तो ये लड़की जैसा रोना बंद कर, समझा? जा। मार रहा था इतनी देर तक? चूहा बहुत बड़ा था। चला जा, सो जा, सो जा।
नेक्स्ट केस आदिति आचार्य राकेश आचार्य आदिति आचार्य राकेश आचार्य थैंक यू आदिति आचार्य राकेश आचार्य मैम आपका केस तो ये आपका आखिरी फैसला है जी यस सर तलाक मंजूर करने से पहले कोर्ट ने आपको 6 महीने का वक्त दिया था अपने फैसले पर सोचने के लिए अगर 6 महीने के बाद भी आपका यही फैसला है तो आपकी तलाक की दरख्वास्त कोर्ट मंजूर करती है देखिए आपको कोई संतान नहीं है इसलिए आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू नेक्स्ट केस चलो पापा गीता सोनी दिनेश सोनी पापा आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं आपने मुझसे वादा किया था आप इस डिवोर्स की टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे आपका वैसे ही दिल कमजोर है अपना नहीं तो मेरा तो ख्याल कीजिए आपके बिना मेरा इस दुनिया में है ही कौन इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करने का मैं कहा टेंशन ले रहा हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तू आराम से बैठ Yeah.
आज ऑफिस नहीं आ रही? नहीं पापा, छुट्टी ली है। बेटे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। अरे पापा, क्या बात है, बोलिए ना। तुम्हारी डिवोर्स को लेकर लगता है। मुझे डिवोर्स के बारे में कोई बात नहीं। यस सर। अदिति तुम कहाँ हो? सर लीव पे हो। मालूम है मुझे, अभी कहाँ हो? घर पे सर। फौरन कमाटीपुरा पहुँचो, मैं भी पहुँच रहा हूँ, रास्ते में हूँ। वहाँ हमें एक डेड बॉडी मिली है। यस सर, राइट अवे। ओके। क्या हुआ? पापा छुट्टी कैंसिल, मेरे इलाके में एक डेड बॉडी मिली है। हेलो हुसैन, कहाँ पे हो? मुझे कमाटीपुरा पहुँचना है। मैडम आपको लेने ही आ रहे हैं, मगर यह तगड़ा जाम लगा हुआ है। हुसैन, डीसीपी साहब पहुंचते ही होंगे। जी। तुम एक काम करो, मैं मेट्रो स्टेशन पहुंच के वर्सोवा, तुम मुझे वहीं से पिकअप कर लो। ओके मैम, ओके। पापा मैं आपको शाम को मिलती हूँ, और प्लीज ज्यादा सोचिएगा मत। डेड बॉडी तो यहाँ की किसी प्रोस्टिट्यूट की लग रही है, प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। लड़की के हाथ में ताजा मेहंदी लगी हुई है, होठों पे लाइट शेड की लिपस्टिक है। मरने से पहले उसको सजाया गया था। इसी मोहल्ले में से किसी बाजार की लड़की लगती है। ठीक है, बॉडी को आइडेंटिफाई करवाओ, पूरा मोहल्ला छान मारो।
और ये केस को तुरंत सॉल्व कर। यस सर, विल डू आवर बेस्ट। थैंक यू सर। चलिए। विक्रम, अपनी टीम्स को सारी बिल्डिंग्स में भेजो। सबसे पूछो जी। पता करो कि ये लड़की कौन है। यस मैम। मैं डेड बॉडी के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ, बट कीप मी इन्फॉर्म्ड। जी पता करो जल्दी। जी मैम। हाँ बोल रहे हैं। भाई से बात करनी है। भाई अभी पूजा में, थोड़ी देर के बाद फोन कर। जानती है कौन है? नहीं। ओके। इसको देखा है? ना, नहीं देखा। इस लड़की को देखा है? नहीं देखा। इसको पहचानती हो? नहीं नहीं, मैं पहचानती नहीं। अच्छा। नहीं। इस लड़की को देखा है? नहीं। पक्का? हाँ, इसको देखा है? देखा है इसे? नहीं सर। ठीक है, अंदर आओ। इसको कहीं देखा है तूने? ओए, चल निकल, बहुत सड़ी है अब। इस लड़की को देखा है कभी? नहीं नहीं। नहीं देखा? नहीं। इस लड़की को जानती हो? इस लड़की को मैं नहीं जानती। बंद कर। आज तेरे लिए बड़ी रात है, खुश रहना। भाई दया का फोन है। बोलो। भाई एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। कल रात एक हादसा हो गया। भाई एक लड़की मर गई है और पूरे मोहल्ले में पुलिस छाई हुई है। मुझे किसी भी हाल में इस मुसीबत से निकालो भाई, प्लीज। मारने वाला कौन था? डॉक्टर है और दादर में उसका क्लिनिक है और मैं जानती हूँ उसको काफी अरसे से। कितने पैसे लिए? 5 लाख रुपए। मैं यादव को भेजता हूँ, उसे 3 लाख दे दे, मैं सब संभालूंगा, टेंशन मत ले। ठीक है भाई, शुक्रिया। दया के पास जाना है। जी। 3 लाख। जी भाई। जी। ए, चेक करो। सर ये देखिए, ड्रग्स बेचने के लिए मना किया था ना तेरे को, 6 साल के लिए अंदर डाल दूंगा। सब ले लो, अपने बेचूंगा सर, अपने करूंगा। भड़गा, पहले ये बता, वो लड़की जिसकी लाश मिली है वो कौन से कोठे की थी और उसका नाम क्या है, बता। अरे तो ऐसा बोला ना साहब, इन्फॉर्मेशन चाहिए करके। बता। कमाठीपुरे के कुत्तों को भी मालूम है वो लड़की कौन से कोठे की है, लेकिन कोई मुंह नहीं खोलेगा, मैं भी नहीं खोलेगा। क्यों नहीं खोलेगा? क्योंकि मेरे को जीने का है। आप मुझे मार दो, सड़ा दो, जेल में डाल दो, लेकिन मैं मुंह नहीं खोलूंगा। भाई गिरी करता है मेरे से भड़गा। मैं आपको भी मालूम है किधर जाने का है। कमाठीपुरा में प्रहर के नाम से हर कोई डरता है, कोई मुंह नहीं खोलता है। उससे जाके पूछो ना,
सब बताएगा। आप मेरे जैसे गरीब को क्यों मार रहे हैं? ले लो इसको, सब ले लेना। मैम, डॉक्टर आपको बुला रही हैं। मैं आई। अदिति, इसकी मौत सर पे चोट लगने से हुई है। दिस वुंड इज फेटल, और ज्यादातर तो डिटेल्ड रिपोर्ट्स के बाद ही पता चलेगा। एंड या, शी हैड सेक्स जस्ट बिफोर डाइंग। डिटेल्ड रिपोर्ट्स कब तक मिलेंगी? कल दोपहर तक। हाय सर। अदिति, व्हाट्स द अपडेट? सर, अभी तक कोई ठोस कड़ी हाथ तो नहीं लगी है, लेकिन मैं हॉस्पिटल आई हूँ डॉक्टर से बात करने। अदिति, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि तुम अभी कहाँ हो। मैं इस केस को सॉल्व होते हुए देखना चाहता हूँ। लड़की को आइडेंटिफाई करो, पता लगाओ कि वो कौन है। सर, हमें अभी बस 10 घंटे हुए हैं बॉडी मिले हुए। मर्डर इन्वेस्टिगेशन में अगर पहले 24 घंटे में तुमने कुछ नहीं किया तो मोस्ट प्रोबेबली तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मुझे रिजल्ट्स चाहिए, वो भी फास्ट। अगर तुमसे नहीं संभल रहा है तो मुझे बताओ, मैं किसी और को ये केस दे दूंगा। नो सर, आई विल डू इट, जस्ट गिव मी सम मोर टाइम। शाम तक मुझे इस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके? यस सर, आई विल डू इट। नेहा, आई नीड दिस रिपोर्ट्स ASAP। बहुत सारा प्रेशर है, प्लीज डू दैट। श्योर। यस मैडम। कुछ पता चला लड़की के बारे में? नहीं मैडम, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। हम लोग सुबह से लगे हुए हैं, बहुत पूछताछ की मगर कुछ पता नहीं चला। DCP साहब को आज ही लड़की की आइडेंटिटी चाहिए। विक्रम, मैडम प्रहेप प्रताप के डर से कोई मुंह नहीं खोल रहा है, उससे बात करनी पड़ेगी। मैंने फोन लगाया था। मगर आपको खुद ही उससे बात करनी पड़ेगी मैडम। प्रहर प्रताप एक गुंडा है, क्रिमिनल है। मैं ऐसे लोगों की हेल्प लेना पसंद नहीं करती। तुमने पूछताछ करनी है तो कर लो। जी मैडम। विक्रम सर सही कह रहे हैं, प्रहर की मर्जी के बगैर कमाठीपुरा में पत्ता तक नहीं हिलता, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप जितने जल्दी उससे बात करोगे उतनी जल्दी ये केस सॉल्व हो जाएगा। आप कहो तो मैं बात करूं, मेरी उससे बहुत पुरानी पहचान है। तुम बात कर लो। ठीक है। आओ सर, बोल। भाई वो सुबह जो आज लड़की मरी उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। हुसैन, प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है, कुआ प्यासे के पास नहीं जाता, समझा? ऐसे बातें फोन पे मत किया कर। तो मैं आ जाऊं भाई? तू आके क्या करेगा? अपने मैडम को भेज, मैंने विक्रम को भी बोला था। अदिति आचार्य आएगी ना, तभी अपन बात करेगा। ठीक है भाई। क्या बोला? मैम प्रहर लड़की के बारे में जानता है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहा है कि वो सिर्फ आपको बताएगा, आपको बुला रहा है। Are you mad? मैं उस गुंडे के यहाँ पे कभी नहीं जाऊंगी। मैम अगर एक केस सॉल्व नहीं हुआ तो आप पे डिपार्टमेंट का प्रेशर बढ़ जाएगा, और DCP साहब एक केस दूसरे ऑफिसर को दे देंगे, वो ऑफिसर भी वही करेगा। तो क्यों ना हम ही प्रहर के पास चले जाए। एक आदमी, वो भी ब्लडी दल्ला, पूरे इलाके को कैसे कंट्रोल करता है? नहीं, वो एक आदमी नहीं है, पूरा सिस्टम है। और दल्ला तो सिर्फ नाम के लिए है। उसने अपने धंधे की शुरुआत 8 लड़कियों से की थी, इसलिए वो 8-10 लड़की अपने कोठे पर रखता है, सगुन के तौर पर उनका सौदा करता है, और वो सारे काले काम करता है। ड्रग्स, एक्सटॉर्शन, हवाला, मटका, कंस्ट्रक्शन। नेमो हमारे बहुत काम आ सकता है। प्रहर भाई को मिलना है, ये यहाँ के पुलिस स्टेशन इंचार्ज अदिति आचार्य। अदिति आचार्य आई है। नाथपाड़ा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, क्या बोल रहे हैं भाई? हाँ, ऊपर भेज। ठीक है भाई। भाई आपको ऊपर बुला रहे हैं, ऊपर जाइए। We'll be right back.
राम भाई, बता क्या था। नाके के पास हमें एक लड़की की लाश मिली है, 20-22 साल की लड़की है। हम जानना चाहते हैं कि वो कौन है और कहां से आई है, बता सकते हो कुछ? यहाँ का कोई काम मेरी जानकारी के बाहर नहीं होता। आप अपन के इलाके में 2 साल से आए हो, एक बार भी मिलने नहीं आए, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। वो लड़की किस घर की है जानता हूँ? बोलो फिर। वो तो मैं हुसैन को भी बता सकता था, तुम्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? देखो, ना तो मुझे उस मरी हुई लड़की में कोई इंटरेस्ट है और ना ही उसके कातिल में। अगर इंटरेस्ट है तो इसमें। इस फाइल के अंदर तुम्हारे बारे में काफी सारी चीजें हैं जो तुम भी नहीं जानते। क्या है इस फाइल में, देख सकती हूँ मैं? नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था। बस मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो, बदले में मैं उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ। तुम्हारा बात करने का रवैया कुछ ज्यादा ही बेहुदा है, लगता है किसी ने सिखाया नहीं पुलिस ऑफिसर से कैसे बात करते हैं। वैसे भी मैं पुलिस वालों से ज्यादा बात नहीं करता, मेरे पंटर लोग करते हैं। यादव को तो कमिश्नर नाम से जानते हैं। पूछो, क्या पूछना? तुम्हें अब भी नींद में बिच्छू दिखाई देते हैं? ये कैसा सवाल है, पागल हो क्या? इसलिए तो तुम्हारा डाइवोर्स हुआ था ना? चलिए मैम। यू नो व्हाट, जस्ट शट अप। हमें यहां से चलना चाहिए। दवाइयां ले लीजिए और 4 दिन बाद वापस आएंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। मैंने तुम्हें मना किया था ना दोबारा मुझे फोन नहीं करने का? ए डॉक्टर, आवाज नीची रख के बात कर, और शाम तक 5 लाख रोकड़ा लेकर किसी को भेज दे इधर। दोबारा फोन ना करना पड़े, कान खोल कर सुन दे, समझा? शुक्र मान कि मैंने लड़की के खून का मुआवजा नहीं मांगा तुझसे। चल रख। हेलो। हेलो, कहाँ हो? हाँ मैं पहुँच गया हूँ, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है। MH4568। कहाँ पे हो, गाड़ी दिख नहीं रही? अरे सिग्नल के पास पार्किंग लाइट ऑन है, जल्दी आओ। तेरे को 4568 का गाड़ी दिख रहा है क्या कहीं? ठीक है, जल्दी आओ। आ गई तुम? चल। क्या बात है, बहुत महक रही हो। तू साथ है ना, इसलिए। Oh!
हाँ।